नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव में। दोस्तों, बात करेंगे आज चने की उन्नत किस्मों के बारे में। पहली किस्म है JG14, जो कि 2009 में विकसित की गई थी। साथ ही 95 से लेकर 110 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती है। वहीं 20 से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसकी विशेषता की बात करें तो किसान भाइयों, ये अधिक तापमान के प्रति सहनशील, साथ ही उकता रोग प्रतिरोधक किस्म है। मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों के लिए और देर से बोने के लिए अनुकूल किस्म है। दूसरी किस्म है JG9218, जो कि 2006 में विकसित किया गया था। ये किस्म 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पैदावार की बात करें तो 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देता है। साथ ही विशेषता की बात करें तो कम फैलाव वाला पौधा होता है। पौधा हल्के भूरे रंग का, दाने कोड़ी आकार के, सतह चिकनी होती है। किसान भाइयों, सिंचित व असिंचित खेतों के लिए अच्छी किस्म है। तीसरी वैरायटी है JG63। ये किस्म 2007 में विकसित की गई थी और ये 115 से 120 दिन में पककर आ जाती है। 21 से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन देती है। रोग प्रतिरोधक की बात करें तो किसान भाइयों, उटका रोग, जड़ गलन, जड़ सलन और सिंचित व असिंचित खेती के लिए अच्छी किस्म है। चौथी किस्म है JG130, जो 2011 में विकसित की गई थी। किसान भाइयों, ये किस्म 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। साथ ही 17 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। पांचवी किस्म है विशाल। किसान भाइयों, ये चने की सबसे बेस्ट किस्म है। ये किस्म 100 से 110 दिनों में पककर तैयार होती है। ये किस्म 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसका दाना पीला बड़ा होता है। इसके दानों में सबसे ज़्यादा 85% तक दाल प्राप्त होती है और इसका भाव मंडियों में भी सबसे अधिक रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।